सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के डिलीटेड सीन्स और डिलीटेड कैमियोस के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की मूवी थी। इस मूवी से मार्वल फैंस के काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, खासकर इस मूवी के कैमियोस रिलेटेड, पर इस मूवी में ज्यादा कैमियोस नहीं हुए। अभी सैम रेमी जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2 घंटे 40 मिनट की मूवी होने वाली थी, पर इस मूवी के अंदर से काफी सारे सीन्स को डिलीट किया गया है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम रियली क्लोज टू 16,000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सैम रेमी ने अभी कोलाइडर के साथ इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इनिशियली 2 आवर 40 मिनट्स के होने वाली थी। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के काफी सारे इंटेंसिव रीशूट्स हुए थे, और बेसिकली सैम रेमी ने कहा कि रीशूट्स हुए जरूर थे, पर रीशूट्स वाले मैक्सिमम सीन्स को मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया। अब ऐसा मार्वल ने क्यों किया ये कहना मुश्किल है, पर सैम रेमी ने कन्फर्म किया कि उनको पता है कि कम से कम 2 या 3 ऐसे डिलीटेड सीन्स हैं जो हो सकता है मार्वल जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 डिजिटली रिलीज हो तो उसके साथ रिलीज करे, या फिर उन सीन्स को मार्वल सेपरेटली भी रिलीज कर सकती है, पर इसके बारे में अभी सैम रेमी कन्फर्म नहीं है। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के रिलीज से पहले कितने रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इस मूवी के अंदर हमें डेडपूल देखने को मिल सकता है, टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, और सुपीरियर आयरन मैन देखने को मिल सकता है। इस मूवी के अंदर हमें अल्ट्रॉन बॉट्स भी दिखाए गए, पर अल्ट्रॉन बॉट्स को किस आयरन मैन ने बनाया ये हमें पता नहीं चला। ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रॉन बॉट्स को इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स ने बनाया होगा, और उस रूमर्स का आयरन मैन मर गया होगा, पर आई थिंक टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर होने वाला था पर उन्हें डिलीट किया गया है। सिमिलर इज द केस विद टॉबी मैग्वायर स्पाइडरमैन। टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के रूमर्स कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में होने वाले हैं ये बहुत ही दिनों से चल के आ रहे थे, और आई थिंक उनके सीन्स को भी कट किया गया मूवी से। एंड सिमिलर इज द सिचुएशन विद मैनी अदर कैमियोज लाइक ऑफ डेडपूल एंड गोस्ट राइडर। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर बिल्कुल भी मल्टीवर्स का मैडनेस नहीं था, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी थी, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें और भी मैडनेस दिखाई जा सकती थी। और मे बी मार्वल ने प्लान भी किया था, पर मार्वल ने कुछ सोचने के बाद इन सारे सीन्स को मूवी से डिलीट किया। पर भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें ज्यादा कैमियोज देखने को नहीं मिले और हमें मल्टीवर्स का मैडनेस ज्यादा देखने को नहीं मिला, पर इस मूवी ने काइंड ऑफ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप किया है, क्योंकि इस मूवी ने एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को टीज किया है मार्वल के अंदर, इनकर्जन के कॉन्सेप्ट को। इनकर्जन के कॉन्सेप्ट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा कर रखा है और यही बताकर रखा है कि कैसे बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने एवेंजर्स 5 को टीज किया है, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 ने मार्वल के अंदर पहले एक्समैन को इंट्रोड्यूस किया और पहले फैंटास्टिक 4 को इंट्रोड्यूस किया, तो मार्वल बेसिकली अब अपने फॉक्स के करेक्टर्स को यूज करना चालू करने वाली है, और इवेंचुअली आपको फैंटास्टिक 4 के ऊपर मूवीज और एक्समैन के ऊपर मूवीज भी काफी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि मार्वल इस साल के कॉमिक कॉन में म्यूटेंट से रिलेटेड मूवीज और फैंटास्टिक 4 से रिलेटेड मूवीज को अनाउंस भी करे और उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी दे। मार्वल स्टूडियोज के फैंटास्टिक 4 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, जिसमें मैं मार्वल स्टूडियोज के फैंटास्टिक 4 में क्या हो सकता है इसके बारे में बात करूंगा। सो अगर आपको मार्वल के फैंटास्टिक 4 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आप उस वीडियो को देख सको जब भी वो पब्लिक हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।